रांची टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने धर्मशाला टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 7 दिन के आराम के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से आगे चल रही है। भारतीय कप्तान रोहित ने कोच द्रविड़ के साथ मिलकर जीत का प्रैक्टिस प्लान तैयार किया। धर्मशाला टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा हेलीकॉप्टर से बिलासपुर पहुंचे। इस खास मौके पर पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे। दोनों ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल महाकुंभ की जर्सी भी जारी की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी और 5वां टेस्ट धर्मशाला में 7 मार्च से शुरू होगा। भारतीय स्पिनर आर अश्विन के लिए यह मैच काफी अहम होगा। धर्मशाला के मैदान पर उतरते ही अश्विन अपने टेस्ट करियर के 100 मैच पूरे कर लेंगे। अश्विन ने इस बारे में बातचीत करते हुए खुलासा किया है कि यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी काफी अहमियत रखता है। अश्विन घरेलू मैदान पर भारत के लिए टेस्ट में सबसे बड़े मैच विजेताओं में से एक रहे हैं। 99 टेस्ट मैचों में अश्विन के नाम 507 विकेट दर्ज हैं। अश्विन ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए बताया कि साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से काफी कुछ सीखने को मिला है। अश्विन ने आगे बताया कि इंग्लैंड सीरीज के दौरान मुझे मालूम चला कि कैसे गेंदबाजी में सुधार करना है। अश्विन ने करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात की और कहा कि साल 2018 में बर्मिंघम टेस्ट के दौरान विकेट लेना करियर का खास पल था। धर्मशाला में अपने टेस्ट करियर का 100वां मैच खेलने उतरेंगे इंग्लिश प्लेयर जॉनी बेरेस्टो। मैच से पहले बेरेस्टो ने पिच पर अपनी बात रखी है। बेरेस्टो के मुताबिक धर्मशाला की पिच काफी अच्छी है, ये तेज गेंदबाजों को मदद कर सकती है। दोनों टीमों को पिच से भरपूर फायदा मिल सकता है। खराब फॉर्म से जूझ रहे रजत पाटीदार को लेकर आकाश चोपड़ा ने बड़ी बात कही है। धर्मशाला टेस्ट में सभी की नजरें प्लेइंग 11 पर टिकी हैं। आकाश चोपड़ा के मुताबिक रजत पाटीदार को अगर आखिरी टेस्ट में ड्रॉप किया जाता है तो उन्हें बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। इंग्लैंड के खिलाफ रजत ने 6 पारियों में केवल 63 रन ही बनाए। IPL में CSK के कप्तान एमएस धोनी ने सीजन 17 से पहले बड़ा बयान दिया है। धोनी ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए बताया कि टीम की कप्तानी के दौरान मुझे ध्यान रखना होता था कि दूसरे खिलाड़ियों का ध्यान कैसे रखना है। धोनी ने आगे बताया कि जब आप एक बार किसी खिलाड़ी को पहचान लेते हैं तो आपको उसकी ताकत और कमजोरियों का पता चल जाता है। धोनी की कप्तानी में CSK ने 5 बार IPL ट्रॉफी जीती है। भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले इरफान पठान ने सनराइजर्स हैदराबाद के फैसलों पर सवाल खड़े किए। इरफान ने कमिंस को कप्तान बनाए जाने पर अपनी राय रखी। इरफान ने बताया कि टेस्ट और वनडे में पैट कमिंस अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब T20 की बात आती है तो उनके आंकड़े कुछ खास नहीं है। कमिंस का परफॉर्मेंस T20 क्रिकेट में अच्छा नहीं है, उनके IPL नंबर भी कुछ खास नहीं है। नेपाल में खेले जा रहे ट्राई नेशन T20 सीरीज में नीदरलैंड ने जीता फाइनल मुकाबला। कीर्तिपुर के मैदान पर नेपाल ने 8 विकेट खोकर 184 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में नीदरलैंड ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। नीदरलैंड के माइकल लेविट ने 54 रन बनाने के अलावा 2 विकेट भी हासिल किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने PCB पर साधा निशाना। मोहम्मद हफीज को पद से हटाए जाने से खासे नाराज दिखे इंजमाम। इंजमाम ने कहा कि इस तरह से क्रिकेट को नहीं चलाया जाता है। PCB ने हफीज को बलि का बकरा बनाकर बाहर कर दिया। हफीज को 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था।